कवर्धा में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों ने अपनी अपनी रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है, लेकिन इस बार जातिगत आधार पर टिकट बांटने का तरीका कारगर साबित होता नजर नहीं आ रहा। अब तक कांग्रेस ज्यादातर चुनाव में बीजेपी के 15 साल के कार्यकाल को लेकर आरोप लगाती रही है, ऐसे ही कुछ इस बार के नगरीय निकाय चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस सरकार के 11 महीने के कार्यकाल में कांग्रेस के वायदों को मुद्दा बनाने की तैयारी कर रखी है, जबकि स्थानीय लोगों को दिमाग में क्या है इस बात का सही आकलन नहीं हो पाने से दोनों सियासी दलों के नेताओं की सांसें अटकी हुई हैं। मुद्दा हम लोग दो प्रकार के मुद्दा बनाएंगे, एक तो प्रदेश स्तर में मुद्दा बनेंगे और हम वार्ड वार्ड में अलग अलग वार्ड के जो मेंबर लड़ेंगे वहाँ के स्थानीय मुद्दा को लेकर, और अभी 11 साल में जो इनकी विफलता है राज्य सरकार उस विफलता को लेकर, और नगर पालिका स्तर में भी हम एक घोषणा पत्र लाएंगे। खास मुद्दा तो अभी हमारा एक तो सबसे पहले गरीबों के लिए जो झोपड़ी पट्टी में रहते हैं उनको कांग्रेस पार्टी ने पट्टा देने का विचार किया है, और नए राशन कार्ड के तहत हमने हर वर्ग के लोगों के लिए राशन कार्ड बनाया है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे कलेक्टर हो, हर इंसान के लिए एक निश्चित मापदंड रखा गया है और हर इंसान को उसका लाभ। बुलेटिन में कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए।